पापा हम घर जाकर पैसे और गहने लेकर आते हैं। ठीक है बेटा, मैंने जरूर पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे जो तुम्हारे जैसा दामाद मिला है। पुण्य तो मैंने किए हैं जो मुझे सपना जैसी जीवन संगिनी मिली है। अच्छा पापा, वो 35 लाख का इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ हाँ, मेरे एक दोस्त दिनेश का फोन आने वाला है, भगवान की कृपा रही तो काम हो जाना चाहिए। ओके पापा, हम चलते हैं। ठीक है बेटा। अरे रंजीत, हाँ एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये पोपटलाल से तूने फ्लैट गिरवी रखने की बात क्यों नहीं की? अरे मुन्ना, निवाला बड़ा खाओगे ना गले में अटक जाएगा। जब प्लानिंग बहुत बड़ी होती है ना तो सोच समझ कर हर चाल चलनी पड़ती है। अब राजा गोकुलधाम सोसाइटी जाएगा और फ्लैट पर अपना कब्जा हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 48। शाबाश। बस अब तो भगवान के आगे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि ऐसे ही हमारा साथ देते रहे। अरे रंजीत, क्या यार गलत कामों में भी भगवान की मदद लेनी पड़ती है। अरे मुन्ना, काम भला हो या बुरा, ऊपर वाले पर सबका हक है, कर बुरा तो हो भला। ओ यारो, चलो चलो सूरी यार, तुम हद कर। तो जब तय हुआ है कि विश्वजीत चाचा जी को सुबह अपने को टाइम पे देखने जाना है और तुम ही लेट कर रहे हो यार। हाँ जी चलो, पर पीड़ू कितने हैं? वो चाचा जी भी तो अपने साथ आने वाले थे, वो कितने? अरे यहाँ चाचा जी आ गए। आइए आइए, हाँ आ जाओ चाचा जी, आओ चाचा जी, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। अच्छा ये बैग वैग लेके चल रहे हैं, विश्वजीत जी को कुछ सामान देना? वो हम सब यंग ओल्ड ग्रुप वाले 2-3 दिन के लिए यात्रा पे जा रहे, तो विश्वजीत जी से मिलके सीधा वहीं से निकल जाऊँ। अच्छा अच्छा जी, बैग मैंने दे दो। हाँ जी चले। सब आ गए लेकिन भिड़े मास्टर नहीं आया। वही थे, ले आ जा पिड़ू। अब पिड़ू यार कितनी देर हो? सॉरी सॉरी सॉरी, चलो 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 चलो। आत्माराम कितना लेट कर दिया, अब पोपट वाला हमारा इंतजार कर रहा होगा। शिक्षक यार, अरे वो एक चप्पल गुम हो गई थी मेरी, वो सोफे के नीचे चली गई थी। चलो 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 चलो। पोपटलाल तो यहाँ आ गया। पोपट, पोपटलाल लोग यहाँ पे? हम सब अभी वहीं आ रहे थे विश्वजीत चाचा की तबीयत देखने के लिए। अभी उनकी तबीयत कैसे? अब पहले से बेहतर है। वो जो जमीन का टेंशन था वो सॉल्व हो गया? नहीं नहीं मिस्टर अय्यर, अभी नहीं हुआ। उसके लिए हमें बलदीप चाचा को 1 करोड़ रुपए देने हैं और हमारे पास सिर्फ 40 लाख है, और बाकी के पैसे मैं देने वाला हूँ। मतलब 60 लाख रुपए? पोपटलाल 60 लाख रुपए तुम कहाँ से दोगे? मेरे पास 15 लाख की FD है और कुछ गहने हैं। अच्छा पोपट बेटा, जरा एक मिनट यहाँ। क्या हुआ चाचा जी? देख पोपट बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को इतने सारे पैसे देने से पहले तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पोपटलाल चाचा जी की बात बिल्कुल सही है। देखो क्या है, तुम्हारी जान पहचान उनसे हुए दिन ही कितने हुए, 2-4 दिन, पर अभी तक तो सपना से तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। पर ऐसे में रुपयों की मदद करने का फैसला मुझे तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। भाई मेहता साहब से मैं 100% सहमत हूँ। देखो पोपटलाल, हमें किसी का भी मदद करना चाहिए लेकिन अपना लिमिट में रहकर। ये ज्वेलरी बेचना, FD तुड़वाना, ये ठीक नहीं है। हाँ पप्पू, सही बात है पोपटलाल। तुम ऐसा करो, सपना से थोड़ा वक्त मांग लो, फिर हम सोचते हैं कि क्या करना है, कोई ना कोई रास्ता निकल आए। अरे वक्त ही तो नहीं है उनके पास, बलदेव चाचा को आज ही पैसे चाहिए। फिर भी तुझे नहीं लगता कि तू थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है? देखो इतना मतलब, देखो पोपटलाल, इतना जल्दी किसी पे कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है? अरे अय्यर भाई, उन्होंने मुझ पर भरोसा करके अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दिया और अब ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। और अगर मैं उनकी मदद नहीं करूंगा तो इस अनजान शहर में वो किससे मदद मांगने जाएंगे? पर पापा मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। सगाई में उन्होंने मुझे 45 लाख की गाड़ी दी है, अपनी वसीयत में उन्होंने मेरा नाम डाल दिया। आप सब इस बात के गवाह है ना?
पर उनको पैसों की मदद करने का फैसला मेरा है चाचा जी, उन्होंने पैसे नहीं मांगे, वो तो मना कर रहे थे, मैंने कसम दी तब जाकर माने। पर हफ्ते भर की तो बात है, जैसे ही अमेरिका से पैसे आ जाएंगे वो मुझे सारे पैसे लौटा देंगे। पर अगर इस वक्त मैंने उनकी मदद नहीं की और कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर के लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। माना कि ये सब शादी से पहले हुआ, अगर ये सब शादी के बाद हुआ होता तो क्या मैं उनकी मदद नहीं करता? वैसे पुपटलाल की बात तो सही है, शादी के बाद होता तो पुपटलाल मदद करता ही ना। चाचा जी आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है कि पोपट सही कह रहा है, मुसीबत में इंसान अपनों से ही तो मदद की अपेक्षा रखता है, और अपनों की मदद करना इंसान की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पोपट पे इतना भरोसा रखा है तो हमें भी उन पे भरोसा रखना चाहिए। चाचा जी की बात सोले आने सच है, उन्होंने भी तो पोपू का नाम शादी से पहले ही वसीयत में लिख दिया। तो वो जी विश्वास पे दुनिया कायम है। पोपू तू सही जा रहा है। क्योंकि चाचा जी आप लोग जो बात कह रहे हैं उससे मुझे इनकार नहीं है कि लोग तो अच्छे लग रहे हैं, रिश्ता भी हो गया है, लेकिन फिर भी FD तोड़ के गहने बेच के ऐसे मदद करना मेरी तो समझ से बाहर। जीजू राजा, पापा की तबीयत कैसी है? अब ठीक है ना? अब ठीक है। जीजू मुझे कुछ पेपर्स पर आपके साइन चाहिए। साइन किस लिए? वो पापा ने अपनी वसीयत बनाई है ना, तो उसमें कुछ जगह पर आपके साइन चाहिए। राजा तुझे नहीं पता तो कितने सही वक्त पर आया है, शायद हम जीती बाजी हारने वाले थे। इस वक्त इतनी क्या जल्दी है? दरअसल बलदेव चाचा ने जो किया उसके बाद पिताजी काफी हर्ट हो गए हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि उनके जीते जी वसीयत का फैसला हो जाए ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। कर लीजिए ना साइन, पापा की एक टेंशन दूर हो जाएगी। लाओ कहाँ साइन करना। चलिए मैं बाद में मिलता हूँ, मुझे वो पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करना है। ठीक है तुम अपना काम करो पपटल, हम लोग भी तब तक विश्वजीत जी की तबीयत पूछ आते हैं। नहीं 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 उसकी कोई जरूरत नहीं है, पिताजी की तबीयत अब काफी ठीक है। जीजू वो पैसों के लिए बलदेव चाचा का फोन आया था तो। हाँ हाँ वो गहने घर पर ही है, तुम उसे लेकर जाओ और मैं वो FD तुड़वा कर बैंक से पैसे निकलवा लेता हूँ। एक मिनट पोपटल, पैसे का मामला इसलिए जरा संभल के। सोड़ी तुम एक काम करो ना, तुम जरा पोपटलाल के साथ बैंक चले जाओ। हाँ ओके मैं साहब। पोपटलाल सोड़ी तुम्हारे साथ बैंक चलेगा। हाँ ठीक है। और हाँ सपना बेटा, तुम्हें और किसी चीज की भी जरूरत हो तो हमें बताना, पोपट सिर्फ हमारा पड़ोसी ही नहीं बल्कि हमारे गोकुलधाम परिवार का एक हिस्सा भी है। जी सोड़ी मैं बस अभी आता हूँ। आ जा आओ आओ। चलो भाई मुझे भी देर हो रही है, मैं जाता हूँ। चाचा जी मैं तुम्हें छोड़ के आना हूँ। अरे तू रुक भाई, तुझे पोपट के साथ बैंक में जाना है ना, तू यहीं रुक। हाँ मैं चला जाऊँ। मैं आपको रिक्शा तक छोड़ता हूँ। हाँ पिडू। हाँ पिडू। हाँ पिडू। चाचा जी को हैप्पी जर्नी। चाचा जी हैप्पी जर्नी। आप लोग बैठिए मैं गहने लेकर आता हूँ। जीजू आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। पापा के फ्रेंड दिनेश अंकल का फोन आया था, वो कह रहे थे कि पैसों का इंतजाम करने में 2-3 दिन और लग जाएंगे। तो उसमें टेंशन की क्या बात है भाई, मैं हूँ ना, अभी मेरा घर गिरवी रख के पैसे ले लेंगे। जीजू लेकिन पापा तो आपका घर गिरवी रखने के लिए मान ही नहीं रहे थे, उन्होंने तो ये भी कहा कि भले ही हमारे पुरखों की जमीन ना मिले लेकिन आपका घर गिरवी रखकर हम पैसे नहीं लेंगे। पापा से मैं बात कर लूंगा, सुख दुख में अपने साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। पर पोपटलाल जी गोकुलधाम वाले क्या सोचेंगे, वो तो यही कहेंगे ना कि जब से हम आपसे मिले हैं तब से पैसे ही लिए जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं सोचेगा, उल्टा सबने तुमसे क्या पूछा कि भाई कोई भी हेल्प चाहिए तो बता। अगर फिर भी तुम्हें फिक्र हो रही है तो तुम निश्चिंत रहो, घर गिरवी रखने वाली बात मैं किसी से नहीं कहूंगा। बस थैंक यू जीजू, मैं पेपर्स भी ले आया हूँ। इतनी जल्दी? अब वो पापा के पहचान के वकील है ना,
इसलिए काम जल्दी हो गया, वरना आज काम नहीं होता। पेपर जरा जल्दी पढ़ना, वो रंजी भाई ने एक घंटे में आने को कहा है। अरे भाई इसमें पढ़ने जैसा क्या है, तुमने चेक किया है ना? हाँ तो फिर तुमने पढ़ा मैंने पढ़ा एक ही बात है ना। लाओ मैं साइन कर देता हूँ, पेन निकाल लाओ दो। ये कहाँ साइन करना है? और यस पावर ऑफ अटर्नी और सारे पेपर्स पर साइन हो गए। ओके थैंक यू जीजू। मैं काम करता हूँ, मैं पेपर्स लेकर धनजी भाई के पास पहुँचता हूँ। सपना तुम और जीजू गहने और पैसे लेकर फटाफट बंगले पर पहुँचो। ठीक है राजा, हम तुम्हें बंगले पर ही मिलते हैं। हाँ ओके संभल कर जाना। जी जी तुम रुको मैं गहने लेकर आता हूँ। जी चले फिर। एक मिनट सपना जरा बैठो ना। बोलिए। सपना मैंने ये गहने बहुत प्यार से अपनी होने वाली बीवी के लिए बनवाए थे। मैं जब पहली बार अहमदाबाद रिपोर्टिंग करने गया था तो वहां से मैंने ये झुमके खरीदे थे। और ये हार, ये देखो, ये मैंने खास रहीम चाचा से बनवाया है। वो भोपाल में बारीक कारीगरी के बहुत मशहूर कारीगर है। बहुत सुंदर है। और ये पायल है ना, ये देखो, जब मुझे दिवाली का पहला बोनस मिला था ना, उससे ये पायल खरीदी थी। सपना ये गहने मेरे लिए सिर्फ गहने नहीं है, इनके साथ मेरा एक अनोखा रिश्ता है। इन गहनों के साथ मैं अपने जीवन साथी के सपने बुनता था। इन सारे गहनों में मैंने अपना प्यार, अपना भरोसा और विश्वास पिरोया है। पोपटलाल जी, एक बार कहने पर आपने पूरे जीवन भर की कमाई मुझे दे दी, इतना भरोसा करते हैं आप मुझ पे? अरे पगली, हम जिस पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं ना, उसे शादी कहते हैं। और शादी का दूसरा नाम ही भरोसा है। और जीवन के समंदर में भरोसा ही लाइफ जैकेट होता है। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। पहले के जमाने में लोग बिना मिले बिना देखे एक दूसरे के साथ शादी कर लेते थे और पूरा जीवन एक दूसरे का साथ देते थे, सिर्फ और सिर्फ भरोसा, विश्वास और ट्रस्ट के बलबूते पर। अच्छा एक बात बताओ, हमें अपने कल के बारे में कुछ पता है? नहीं। अरे कल छोड़ो, हमें अगले पल के बारे में नहीं पता, फिर भी हम सपने संजोते हैं ना। हम ये सोचते हैं कि कल सब अच्छा होगा, हमारी शादी होगी, हम फ्लैट खरीदेंगे, हम दुनिया की सैर करने जाएंगे। हम सपने देखते हैं ना। हाँ। ये सपने हमें हमारा विश्वास दिखाता है, कल सब अच्छा ही होगा, ये विश्वास। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमने कभी ईश्वर को देखा है? नहीं। फिर भी हम उस पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसे ईश्वर मानते हैं, हमारा उस मूर्ति में विश्वास है। मेरे लिए ईश्वर विश्वास है और विश्वास ही ईश्वर है। जहां विश्वास होता है वही प्यार होता है। फिर भी पोपटलाल जी, हमारी वजह से आप ये सब? नहीं नहीं सपना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो किस्मत की बात है। मेरे लिए इन गहनों से ज्यादा तुम्हारे प्यार का मोल है। अच्छा मेरी सिर्फ एक बात मानोगी? सिर्फ एक बार इन सारे गहनों को पहनकर मुझे बताओगी? मैं तुम्हारी इन गहनों के साथ एक तस्वीर खींचना चाहता हूँ। मैंने सपना देखा था कि मेरी पत्नी इन सारे गहनों को पहने। सिर्फ एक बार तुम इन गहनों को पहन लो तो फिर मुझे जिंदगी भर भी ये गहने नहीं मिलेंगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। सिर्फ एक बार पहन लो मेरी खातिर। हाँ मेरी बिल्लो रानी एकदम चमक गई। चले। आप सूरी भाई, आपकी तकलीफ ले रहे हैं, मैं जा रही हूँ ना इनके साथ। ओ सपना पर जाए जी, आप भी कमाल करते हो। हम गोकुलधाम वाले जब एक दूसरे की मदद करते हैं ना तो उसको तकलीफ नहीं कहते, अपनापन कहते हैं। वैसे भी इतने पैसे लेके आना है तो मेरा साथ जाना बहुत जरूरी है, और अपनी गड्डी भी तो है। हाँ, सूरी तू साथ चल, तू रहेगा तो सेफ्टी रहेगी। हाँ बापू चलो चलो आ जाओ। लेकिन अगर तुम साथ आओगे तो हमारी सेफ्टी का क्या होगा?
हेलो सपना बेटी, बैंक पहुंच गई? नहीं पापा, अभी गोकुलधाम से निकले ही हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए, सोडी भाई भी हमारे साथ हैं। ओ, सोडी साथ में है? मिंटी, इन भोले लोगों से सावधान रहना। वो कहावत याद है ना, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। जी पापा। सपना, पापा को बोलो आराम करे, हम पैसे लेकर बस पहुंच ही रहे हैं। आपके होने वाले दामाद बोल रहे हैं कि आराम करिए। हाँ हाँ, आराम की जिंदगी के लिए तो ये सब कर रहे हैं, कर बुरा तो हो भला। जी पापा, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है, मिंटी ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ ना हो। जी। मेरे होने वाले दामाद ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। रंजी भाई, जैसा आपने कहा था ठीक वैसे ही पेपर्स रेडी करवा के लाया हूँ। प्याज की कसम, कौन सी सोसाइटी का फ्लैट है? पाउडर गली वाली गोकुलधाम सोसाइटी। रमेश भाई, पेपर्स चेक कर लो, सब बराबर है ना? जी सेठ जी। पूरी इंक्वायरी कर लेना। हाँ। ब्याज की कसम, एक बात बताओ, मकान मालिक को पता तो है ना कि तुम उसके घर के कागजात मेरे पास रख रहे हो, उसके घर का कब्जा मुझे देकर मुझसे पैसे ले रहे हो? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, ये फ्लैट तो मेरे जीजू का है, सारे पेपर्स पर साइन भी किए हुए हैं और पावर ऑफ अटर्नी पे भी साइन किया हुआ है जो फाइल के साथ अटैच्ड है। अरे रमेश भाई, कितनी बार बधू बराबर थे ना भाई। सेठ जी आप चिंता मत करो, मैंने पेपर चेक कर लिए हैं, पेपर एकदम ओरिजिनल हैं, पावर ऑफ अटर्नी और पजेशन लेटर दोनों एकदम सही हैं। ये लीजिए। हाँ देखिए, मुझे 35 लाख रुपए की जरूरत है, अगर आप मुझे जल्दी दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं सेठ अमीरचंद के पास जाता हूँ। सेठ जी, जगह एकदम मौके की है और कागज भी ओरिजिनल हैं, और जहां तक रही पैसा वसूलने की बात, वो वसूलना तो हमें आता ही है। राजा भाई, आपको पूरे पैसे अभी के अभी मिल जाएंगे, लेकिन ये पूरे कागजात, पावर ऑफ अटर्नी, पोजीशन लेटर सब मेरे पास है, और आज की तारीख से ही मैं वो फ्लैट पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है, मुझे सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट है, बाकी पोपटलाल के फ्लैट का तुमको जो करना है वो करो। ये लीजिए सेठ जी। हाँ राजा भाई, ये है पूरे 35 लाख रुपए। शाबाश राजा बेटा, शाबाश, कितनी आसानी से तूने काम कर दिया। अब बाहर जाकर मिंटी से बात कर लेता हूँ कि वो कहाँ पहुंची, उसके हाथ में पैसे आए या नहीं। ईश्वर, पोपटलाल को बचा लो ईश्वर। आप तो जानते हैं पोपटलाल नादान है, देखिए ना, नादानी में दस्तखत कर दिए घर के कागजों पे। आपने भी देखा ना, घर के कागजों पे पोपटलाल ने दस्तखत कर दिए और पूरी तरह फंस चुका है। हम लोगों की अगर जरा से पैसे कहीं खो जाए, कोई चेन अंगूठी कोई छोटी सी चीज खो जाए, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। और ये पोपटलाल को तो पैसे, गहने, मकान सब कुछ खोने वाले हैं। क्या होगा पोपटलाल का जब उसे ये पता चलेगा कि उस पे ये मुसीबत आने वाली है? क्या होगा उसका जब उसे ये पता चलेगा कि सपना ने उसके साथ धोखा किया है? यकीन मानिए, लोगों पे बिजली गिरती है, पोपटलाल के सिर पे तो आसमान गिरने वाला है। क्या होगा ये तो आपको कल ही के एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन तब तक आप भगवान के लिए आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि पोपटलाल बच जाए, उसके साथ ये ना हो। क्या होगा क्या नहीं होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।